सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो होता है, एमटीपी जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, वो होता है जो हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर अगर कोई प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हैं, किसी प्रेगनेंसी को कैंसिल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एमटीपी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, सो नियरली 45 to 50 million एमटीपीज आर परफॉर्मड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, which accounts to one fifth of the total number of conceived pregnancies in a year, which means 45 to 50 million abortions हर साल होते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि कहा जा सकता है कि हर 5 बच्चे में से एक बच्चे को मार दिया जाता है, फिटेस को मारा जाता है, बच्चे को नहीं, फिटेस को मारा जाता है। बच्चा जो कहलाएगा कब, जबकि वो बॉर्न हो जाएगा तब, आफ्टर बर्थ हम उनको इन्फेंट या फिर बेबी कहते हैं, उसके पहले वो हम उसको फिटेस कहते हैं, फिटर लाइफ, यानी जो हमारा लाइफ होता है, या इसको कहते हैं उसको प्री बर्थ कहते हैं, राइट। सो दैट कंडीशन, और ये भी देखिए अबॉर्शन जो है वो फर्स्ट 6 मंथ तक ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर अबॉर्ट कर लें तो बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, कोई रिस्क नहीं है। 3 मंथ से ज्यादा हो जाए तो रिस्क है, ठीक है, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन अगर वही 6 मंथ क्रॉस कर जाता है तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन घातक और जानलेवा हो सकता है। ठीक है, ये जानलेवा हो सकता है, बिल्कुल कोई परमिशन नहीं देता है कि आफ्टर 6 मंथ हो, गारंटीड बच्चा या माँ किसी को जान का खतरा तो अवश्य हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसको बहुत सारे एक्सटर्नल इश्यूज के वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर्स के वजह से, या एथिकल इश्यूज के वजह से, रिलीजियस इश्यूज के वजह से, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके लिए नहीं बनाया गया, बट इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स इंडिया में है। क्या रूल्स है इंडिया में, दैट्स यहाँ पे आपको वो दिख रहा है। इंडिया में एमटीपी करना इट्स नॉट लीगल, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। इंडिया में इतना आसान नहीं है कि एमटीपी करा लेना, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार ने 1971 में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, और उस रूल्स के अंडर अगर आता है तभी जाके अबॉर्शन पॉसिबल हो पाता है। सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव, इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल इंडिया। सो इंडिया में लड़का और लड़की में भेदभाव बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि पर था, तो इसीलिए इसीलिए सरकार ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया कि ये आप लीगलाइज किया, कि ये आप इनडिस्क्रिमिनेशन के लिए या फिर इलीगल फ्रिटिसाइड के लिए, इलीगल फीमेल फ्रिटिसाइड के लिए आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये अब आप आपका दशा जो है वो दुर्गति हो जाएगा, यानी आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, साथ साथ जेल का हवा खाना पड़ेगा, चक्की पीसना पड़ेगा, और अगर डॉक्टर है, डॉक्टर साहब, तो उनको भी ये सब सजा तो मिलेगी ही, साथ साथ उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। व्हाई एमटीपी? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, इधर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स। ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। सो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, राइट, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये एमटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। हमने कॉन्ट्रासेप्टिव लिया है लेकिन वो काम नहीं किया है, या कॉन्डम का इस्तेमाल किया है बट वो कॉन्डम सही नहीं था, या फिर रिमूवल के वक्त थोड़ा मिस्टेक हो गया, या पेनिस विथड्रॉल के वक्त थोड़ा इश्यू हो गया, जिसके वजह से वो इजैकुलेशन अंदर रह गया और जिसके वजह से प्रेगनेंसी हो गया, है ना, तो ये प्रॉब्लम है। एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केस वेयर
continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि MTP एक और कंडीशन में किया जाता है, और कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि कंटिन्यूएशन, यानी जब प्रेगनेंसी जो है वो एक प्रेगनेंसी हुआ तुरंत ही दूसरा प्रेग्नेंट हो गया, सेकेंड टाइम जैसे प्रेगनेंसी इसका खत्म हुआ डिलीवरी हुआ सडनली दोबारा प्रेग्नेंट होगी फीमेल अगले 6 महीना या 5-6 महीना या 7-8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ही। तो क्या होता है इस कंडीशन में, माँ और जच्चा बच्चा भी, माँ उस पहले वाले प्रेगनेंसी से रिकवर नहीं हुई तब तक दूसरा प्रेगनेंसी भी लाइन पे है। ये सबसे क्या होता है, ये सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है माँ को, ठीक है, माँ और जच्चा बच्चा दोनों का अफेक्ट, हेल्थ जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। In this case, we can do MTP. In this case, we can do MTP. So this is legal. MTPs are considered relatively safe during first trimester. Yes, हमने कहा था कि पहला trimester, यानी trimester, यानी तीन, tri मतलब तीन, mester, तीन महीना, ठीक है? Semester होता है 6 महीने का, ठीक है? Trimester मतलब 3 महीने का। तो 3 महीना, यानी first 3 months का जो MTP, वो safe consider किया जाता है, यानी चलती है 12 12 यानी 4 weeks per month, so 3 months which means 12 weeks, so 12 weeks of pregnancy, up to 12 weeks of pregnancy ये safe है। Second trimester abortions are much riskier, ठीक है, बहुत ज्यादा risky हो जाता है second trimester का, है ना। One disturbing trend observed is that majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe, fatal too. अब कि ये देखा गया है कि जो maximum MTPs किए जाते हैं उस maximum MTPs ऐसे लोग करते हैं जो qualified doctors नहीं होते, experts नहीं होते, वैसे लोग भी MTP perform कर जाते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि माँ को भी problem हो, बच्चे को problem हो, या फिर दोनों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं रहता है, वो एक्सपर्ट नहीं इस मामले में। जैसे मान के चलिए कि कोई कोई बायोलॉजी में कोई जूलॉजी का एक्सपर्ट होता है, कोई बॉटनी का एक्सपर्ट होता है ना, मान के चले, या फिर मान किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, नॉट ओनली या बायोलॉजी की बात कर, किसी भी फील्ड में ले लो, अगर कोई एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर मामले में, जैसे मान के चलो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए एक्सपर्ट है या जूलॉजी के लिए एक्सपर्ट है, वैसे बॉटनी भी पढ़ाते हैं जूलॉजी भी पढ़ाते हैं, दोनों हम पढ़ाते हैं उतने ही स्टाइल और उसी ढंग से, उसी तरीके से, उसी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, और उसी हम कोशिश का, हमारा कोशिश वही रहता है कि अंडरस्टैंडिंग उसी लेवल का, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी बच्चे इंटरेस्टेड महसूस करते हैं, वही सेम इंटरेस्ट उन लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी में भी हो, क्योंकि इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्यों इक्वली, लोग बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जो नहीं जानते एक्चुअली नीड क्या है, तो वो लोग पूछते हैं ऐसे कि सर ये तो MBBS में तो सर सिर्फ पेशेंट मतलब एनिमल यानी सिर्फ इंसानों को होना होता है, यहाँ पर प्लांट हम क्यों पढ़ते हैं। भाई प्लांट इसलिए पढ़ते हैं कि अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर में तो प्लांट की जरूरत है ना, उसके लिए हमें प्लांट की जरूरत पड़ती है। कई सर ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं ना, ड्रग्स वो प्लांट से निकाल लिया जाता है, वो किसके फैमिली के अंदर आता है, किस कैटेगरी में आता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब पढ़ना पड़ता है, तब में जाके आप ड्रग भी आइसोलेट कर सकते हो, ड्रग बना सकते हो, ठीक है। नॉट ओनली फॉर आयुर्वेदिक, फॉर एलोपैथिक ऑल्सो कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्लांट से लिए जाते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ड्रग पोर्शन में, ठीक है। कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कोकेन, आपको कोकेन से बनाए जाते हैं, कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपको निकोटीन जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, वो कैटेगरीज होते हैं, ड्रग के कैटेगरीज है, सारे कैटेगरीज से बनाए जाते हैं, हम लोग आपको बताएंगे हम कि ड्रग्स एक्चुअली में बनाते कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे ड्रग बनाया जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि ड्रग कैसे बनाया जाता है, बट क्योंकि हम जानते हैं, हम किए हैं, तो इसीलिए हम सोचे कि आप हम हर क्लास में बता देते हैं कि कैसे ड्रग बनाए जाते हैं, ठीक है, उसका मोड ऑफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट टू यू गाइज, सो मोड ऑफ एक्शन बताते। सो हम कहने का तात्पर्य यही है कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट रहता है वो अपना उसमें बेस्ट देता है और वो उससे राजा होता है उस फील्ड में। अगर किसी का एक्सपर्टीज नहीं है, मान के चलो कि मुझे फिजिक्स नहीं आती है, मैं फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो अगर मैं फिजिक्स पढ़ाने लगूं आप लोगों को,
तो क्या मैं सारा इंफॉर्मेशन सही दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा सही। हम पढ़ के मुझे पढ़ाना होगा, और पढ़ के जितना आपको अंडरस्टैंडिंग होगा उसी अंडरस्टैंडिंग का मेरा भी लेवल होगा, है ना। फिजिक्स भले हम 11th 12th ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भले हमने ग्रेजुएशन में भी कई सारे फिजिक्स के पोर्शन हम पढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम एक्सपर्ट हो गए उसमें, है ना। तो वैसे ही कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, तो बहुत सारे रिस्क होता है उसमें, है ना। कोई डॉक्टर नहीं है और उसको कहो कंपाउंडर है, कहो सर्जरी कर दो, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एक्सपर्टाइज होना हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यही मानते हैं कि अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ाएं, अगर हम सिर्फ जुआलॉजी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ अगर हम जुआलॉजी पढ़ाए तो जुआलॉजी में हमसे ज्यादा, हमसे मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे क्रॉस ना कर जाए जो हमें नहीं आता। एक्सपर्ट हो जाए उस चीज में, स्पेशलिस्ट हो जाए, ठीक है। जैसे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, राइट। ईएनटी अलग होते हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं, गैस्ट्रो के अलग होते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अलग होते हैं, ठीक है। उसके कई सारे अलग अलग होते हैं डिपार्टमेंट्स, है ना। तो एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को भी यही करना होगा कि आप लोगों को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि नीट निकालना है। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वही अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के वजह से ये अनसेफ प्रेगनेंसीज हो जाते हैं, अनसेफ हो जाता है ये एमटीपी, और ये फेटल भी हो सकता है, है ना, फेटल। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ, अच्छा कोई हमें बता सकता है कि फेटल का यहाँ पे मतलब क्या है? फेटल मतलब भाग्य, किस्मत? नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेटल हियर? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आगे बढ़ते हैं। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, है ना। एमनियोसिंथेसिस की वजह से, एमनियोसिंथेसिस से हम क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एमनियोसिंथेसिस के थ्रू हम फीमेल है कि मेल है पता लगा लेते, उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, अगर फीमेल है तो इफ इट इज फाउंड टू बी फीमेल, हम उसको क्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं, जो कि इलीगल है, जो कि लीगल नहीं है, इलीगल है, जो कि क्या है, कंप्लीटली इलीगल है, ठीक है। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस, ये दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, ठीक है। ओके, यस, ऑफ कोर्स फीटल मेंस जानलेवा, वेरी नाइस, ठीक है। डेथ कॉजिंग सीरियस इफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो एमटीपी, दिस इज व्हाट एमटीपी इज। तो एमटीपी में नेक्स्ट क्या है, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन इलीगल अबॉर्शंस एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू रिवर्स द मेंशनड अनहेल्दी ट्रेंड। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हम ना करें या फिर इलीगल अबॉर्शंस ना करें, ठीक है। तो ये सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव करें, विच मींस गांव में दाई अम्मा से ना करवा कर हम जाएं, है ना, गांव में दाई अम्मा से ना करवा कर हम अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएं और अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करें प्रेगनेंसी के लिए, जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखना है तो, नहीं सिर्फ बच्चे का ख्याल रखना है, बाहर में जाए माँ, ऐसे भी कई सारे फैमिलीज हैं इंडिया में जो कि सोचते हैं कि मुझे बच्चे सा मतलब है, हमारा कुल खानदान है, दीपक है, हमारा कुल दीपक है, ये किसी भी हाल में बच जाना चाहिए, डॉक्टर आके कहता है बाहर। कई सारे मूवीज में हमने देखा होगा, सीरियल्स में भी होते हैं ऐसे, ठीक है। हालांकि मैं सीरियल बहुत कम देखता हूँ, देखता हूँ ऑफकोर्स, देखता हूँ तारक मेहता, देखता हूँ तेनालीराम, देखता हूँ, ठीक है। पहले हम साथ निभाना साथिया देखा करते थे, उसके बाद दिया और बाती हम देखा करते, मजा आता था, सच बता रहे हैं, परिवार के साथ बैठ के देखते। एनीवेज, अभी तो सिर्फ तारक मेहता और तेनालीराम भी देख पाते हैं। खैर, तो हम कह रहे थे कि डॉक्टर आता है, डॉक्टर आकर कहता है कि माँ जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चा दोनों में कोई किसी एक को ही हम बचा सकते हैं। तो जो औरतें होती है वहां पे, मर्द उतना नहीं लेकिन औरतें जो होती है, वो लड़का है कि लड़की है पहले ये पता करते हैं। जैसे पता होता है कि लड़का है, किसी भी हाल में बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेंटालिटी होता है, ठीक है। ये सब बहुत ही गंदा मेंटालिटी है, इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजों से हमें परे रहना है, ठीक है। बच्चा हो या लड़का हो या लड़की, यार दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली क्या सक्षम है कि आपका नाम रोशन कर सके।
ठीक है, आपके बुढ़ापे का लाठी बन सके। लड़की भी बुढ़ापे की लाठी बनती है और लड़का भी बनता है। अगर मान के चलो एकलौती लड़की हो गई, लड़का नहीं है, तो क्या कुल खानदान खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी बेटी का जो बेटा है उसको अपना प्रॉपर्टी लिख सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। भगवान ने जो दिया उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो ना, क्योंकि ये किसी किसी के ऊपर नहीं होता, ये ऊपर वाला जो डिसाइड करता है ना उसके ऊपर होते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एक्चुअली जो हम इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में कंप्लीट डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक कुछ चीजें देखेंगे, डिटेल में हम लोग हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से जो डिजीज फैलता है उसको हम कहते हैं एसटीडी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से। सो यहाँ पे लिखा भी आपको diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted disease or STD or venereal disease. Yes, of course, transmitted disease को venereal disease भी कहते हैं, और इसीलिए कई सारे ऐसे जो टेस्ट हैं transmitted disease के टेस्ट हैं वो एक रिसर्च लेबोरेटरी में उसका डिस्कवरी हुआ था, जैसे उसको हम कहते हैं VDRL, VDRL टेस्ट का नाम है VDRL। ये सिफिलिस के लिए किया जाता है, ठीक है, सिफिलिस के लिए बेसिकली किया जाता है, क्योंकि ये इसी रिसर्च लेबोरेटरीज जो है वो है, इसी में ये इसका आविष्कार हुआ था, है ना, इसका आविष्कार, ये आइडेंटिफाई किया गया कि ऐसे टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम, टेस्ट का नाम ही रख दिया गया VDRL। VDRL का फुल फॉर्म होता है वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, और ये VDRL सिफिलिस के लिए किया जाता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। आगे बढ़ते ओके, सो सेक्सुअल वेनेरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन भी कहते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? नंबर वन गोनोरिया, नंबर टू सिफिलिस, नंबर थ्री जेनिटल हर्प्स, नंबर फोर क्लैमिडियासिस, नंबर फाइव जेनिटल वॉर्ट्स, नंबर सिक्स ट्राइकोमोनियासिस, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, है ना, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट डिस्कस्ड रिसेंट इयर्स एचआईवी लीडिंग टू एड्स, एचआईवी एड्स, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब एसटीडीज हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और इसके बारे में पूरा डिटेल में, ठीक है, बेसिकली हम एचआईवी का डिटेल उसमें दिया है, लेकिन हम साथ साथ और भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में भी हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर 8 है ना हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें दिया हुआ है। ऑलराइट, चलिए। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और एच आई वी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग और शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा विच विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, ठीक है। मतलब कि ये हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस बी हम बाई गॉड बता रहे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर इन्फ्लेमेशन, ठीक है, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर इन्फ्लेमेशन। लेकिन ये लिवर इन्फ्लेमेशन जिस वायरस के वजह से होता है, वो कई सारे वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी, तो उसमें बी इज मोस्ट डेंजरस। और क्यों डेंजरस है, हम लोग हेपेटाइटिस पढ़ेंगे डिजीज चैप्टर में, हम लोग पूरा डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हेपेटाइटिस बी ही क्यों डेंजरस है ए और सी के मुकाबले, ठीक है। और ये क्यों हो सकता है? ये इंजेक्शन के, इंजेक्शन शेयर करने की वजह से हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर करने की वजह से हो सकता है, ठीक है, किस करने की वजह से हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड की वजह से हो सकता है, मदर टू फीटस, यस ऑफ कोर्स, एचआईवी, इसमें हेपेटाइटिस बी को हम एक साइड रख दें, लेकिन एचआईवी की हम बात करें, एचआईवी एड्स,
ये एचआईवी का जो वायरस है, एचआईवी वायरस, ये ट्रांसप्लेसेंटल यानी ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस कर सकता है। हमने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और वायरस होते हैं, मोस्टली बैक्टीरियाज नहीं क्रॉस करते, वायरस क्रॉस करते हैं, तो उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज जो है वो बैक्टीरिया का बड़ा ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू वायरस, और वायरस का साइज कम होता है, और इसीलिए वो क्या कर जाता है, वो इजिली मूव कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है। बट सम बैक्टीरियाज ऑल्सो ट्रांसमिट, ठीक है, सम बैक्टीरियाज ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है, और वायरस में ट्रांसमिशन, वायरस में एचआईवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एचआईवी सिफिलिस ये दोनों ट्रांसप्लेसेंटल है, यानी प्लेसेंटा को ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, दे कैन ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड वायरस इंफेक्शन, जेनिटल हर्ब्स एंड एचआईवी इंफेक्शंस, अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्योरेबल, अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्ब्स एंड एचआईवी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, और वो अर्ली स्टेज में भी अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो भी उनको हम सिम्टम्स को रोक सकते हैं, इसका कोई क्योर अभी तक नहीं है। हेपेटाइटिस बी का क्योर अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और मैक्सिमम हो चुका, हम अगर बात करें एचआईवी इंफेक्शन का, तो एचआईवी इंफेक्शन का अभी तक कोई भी क्योर नहीं है, और क्यों क्योर नहीं है, इसके पीछे बहुत ही सिंपल रीजन है, बहुत ही सिंपल और लेकिन बहुत ही सटीक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और रिसर्चर्स को लगता था, रिसर्चर्स को लगता था कि कोरोना वायरस जो अभी आया है ये भी वैसे ही कैटेगरी का वायरस है जैसा कि एचआईवी है, और इसीलिए पहले कहा गया कि इसका वैक्सीन नहीं बन सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा एटियोलॉजी समझ में आया तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं ये एचआईवी जैसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें अलग है, चेंजेस हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसका वैक्सीन जो है बनने का स्टार्ट हो गया, और दावा किया जा रहा है कि एचआईवी का वैक्सीन बहुत सारा बन चुका है और वो ट्रायल में भी है, ठीक है, तो देखते हैं कितना वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन एचआईवी का ऐसा नहीं है, एचआईवी के पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है क्यों अपना, क्यों वो डिजीज उसका क्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अभी पाया गया है कि हमारे पास जितने भी मतलब एचआईवी है उसमें एक ऐसा पेशेंट को पाया गया जिसमें जेनेटिकली म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक म्यूटेशन, और उस जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन को वो एचआईवी रेसिस्टेंट हो गई, वो क्या हो गई, एचआईवी रेसिस्टेंट हो गई। तो ये आशा माना जाता है कि अगर हमारा बॉडी में जेनेटिकली कोई एवोल्यूशन हुआ ऐसा कुछ, ठीक है, तब जाके हो सकता है कि हम उसके अगेंस्ट रेसिस्ट हो पाए, रेसिस्टेंस क्रिएट कर पाया हमारा बॉडी, लेकिन तब तक ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक ये जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हो जाता। अभी तक दुनिया में सिर्फ एक ऐसी फीमेल है, शायद लेडी है, लड़की है, जिसमें वो ये म्यूटेशन पाया गया है, और वो एचआईवी उसको कभी हो ही नहीं सकता है, वो रेसिस्टेंट हो गई, एचआईवी रेसिस्टेंट, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में गूगल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गूगल के कोई आर्टिकल में पढ़िएगा, विकिपीडिया या कोई ऐसे लोकल वेबसाइट या यूट्यूब चैनल में नहीं आते हैं कि इस ऐसा ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल उड़तूफान एक्सप्रेस, ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है, तो जो रेकमेंडेड और जो क्या बोल सकते हैं लाइक सैटिस्फाइड और ट्रस्टेड जो साइट होगा उस पे से देखिएगा, आपको आर्टिकल्स पढ़िएगा, रिसर्च आर्टिकल्स उसमें आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो सम ऑफ दीज इंफेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और अनइन्फेक्टेड मदर टू द टू, सो ट्रांसप्लेसेंटल है ना। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड एचआईवी इंफेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, ये अभी तक हमने देखा। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग,
फ्लूइड डिस्चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया तो क्या हो सकता है, इचिंग है ना, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा, है ना, स्वेलिंग एक्सेट्रा। तो ये है आपका सिम्टम, ये क्या है, सिम्टम है। इन द जेनिटल रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, इन द जेनिटल रीजन। अगर सर में इचिंग हो रहा है तो ये नहीं समझना कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। अगर सर में दर्द हो रहा है तो ये मत समझना कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। अगर आपका दांत के सड़न के वजह से गाल फूल गया है तो ये मत समझना कि एसटीडी है। जेनिटल रीजन में अगर ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तब आपको ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ एसटीडी इन्फेक्शन हो सकता है या कोई आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सॉरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। आरटीआई के वजह से आपको कभी कभी मेंस्ट्रुएशन में भी डिले हो जाता है या मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं, तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है। ये हमारे कई सारे ऐसे केसेस हमने पेशेंट देखा है हॉस्पिटल में। इन्फेक्टेड फीमेल्स मे ऑफन बी एसिम्प्टोमैटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, ठीक है। ये एसिम्प्टोमैटिक यानी बिना सिम्टम के भी हो सकते हैं और इसीलिए बहुत लंबे समय तक डिटेक्शन इसका नहीं हो पाता है और इसी वजह से वो स्टेज जो है वो क्रॉस हो जाता है और फाइनली बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। एनीवेज, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस, ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीडीज डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन From going for timely detection and proper treatment. यानी कई सारे ऐसे क्या होते हैं, कई सारे ऐसे समाज के लोगों के लोग क्या कहेंगे, सुनेंगे तो ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो समाज के वजह से कुछ लोग इसको सिम्टम्स को देखने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, इसके ट्रीटमेंट के लिए या चेकअप के लिए नहीं जाते, जिसके वजह से वो अनट्रीटेड रह जाता है और बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। जिससे कि हमारा जो पेल्विक रीजन है यानी लोअर एब्डोमेन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जेनिटल रीजन, वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसका। जब अगर मान के चलो कोई प्रेगनेंसी है और उस टाइम पे ये हो गया तो अबॉर्शन भी हो सकता है। स्टिल बर्थ एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, स्टिल बर्थ एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक दो यहाँ पे टर्म है जो कि आप लोगों को पता होगा, मीनाक्षी मैम बताई होगी, फिर भी हम पूछ रहे हैं आपसे, इसीलिए पूछ रहे हैं। स्टिल बर्थ और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, व्हाट इज स्टिल बर्थ एंड व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दोनों का मुझे मतलब अपने चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए जल्दी तुरंत। यस, ओके, कुछ लोगों के आंसर यहाँ पे मिले हैं, कुछ लोगों के नहीं मिले हैं, है ना। चार लोगों ने शायद, चार लोगों ने, आदित्य ने मैसेज किया है, एक इम्प्लांट हुए, वो नो 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 नो
ओके लेखिका ने भी आंसर दिया, बाकी किसी को आंसर नहीं पता? बाकी किसी को आंसर नहीं पता, इतने लोग जुड़े हुए हैं बाकी किसी को नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि मीनाक्षी मैम जब पढ़ा रही थी आपको सो रहे थे। हाँ सही आदित्य, आपका आंसर सही है, पप्पी प्रेगनेंसी का आंसर सही है। ठीक है, लगभग मतलब 95% सही है, 5% थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं आप। लेखिका का भी ये आंसर सही है, ठीक है, स्टिल बर्थ का उन्होंने आंसर दिया, आंसर सही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी ने, मैम जो पढ़ा रही थी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, है ना? वेरी गुड, किसी को नहीं पता। और एक मिनट का टाइम देते हैं। अच्छा सब टाइप कर रहे हैं, ओ माय गॉडनेस, सॉरी सॉरी सॉरी। कौशिकी, ओके स्टिल बर्थ, अच्छा कौशिकी वर्मा ने आंसर दिया है स्टिल बर्थ इज, ओके ओके। अच्छा टेल मी व्हाट इज मिसकैरेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिल बर्थ एंड मिसकैरेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिल बर्थ एंड मिसकैरेज, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। स्टिल बर्थ और मिसकैरेज दोनों में क्या अंतर है? लगता है गूगल का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही हो रहा है यहां पे। हाँ सही है सही है सही है सही है लेखिका, अच्छी बात है फिर तो। अच्छा अच्छा ओके नो 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 नो, आंसर का आंसर नॉट सटीक, इज नॉट सटीक। लेट मी टेल यू द आंसर, छोड़िए बाकी सब देना दे, लेट मी टेल यू द आंसर। इसका मतलब सब सो ही रहे होंगे, है ना? अभी भी शायद सब सो ही रहे क्लास में, और उस वक्त भी मैम पढ़ा रही थी तब भी सब सो ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ही बता देते हैं, कहां गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी? हाँ स्टिल बर्थ एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो स्टिल बर्थ एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। स्टिल बर्थ किसको कहते हैं? स्टिल बर्थ वो होता है जो आपको 20th वीक, है ना, 20th वीक, यानी 20th वीक का मतलब क्या हो जाता है, 20th और 20th वीक मतलब 36-12, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक हो सकता है, 36-12, 12 दिन 24, हाँ लगभग सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक अगर कोई प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, और बच्चा मर जाता है, उसको कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक अगर बच्चा मर जाता है तो उसको हम कहते हैं मिसकैरेज। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद अगर बच्चा मरता है या डिलीवरी के वक्त बच्चा मरता है उसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ, ठीक है, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, इसी कंडीशन में मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, ठीक है, मरा हुआ बच्चा, या फिर ये जब पूरा टेस्ट होता है, चेकअप होता है, तो डॉक्टर कहता है कि बच्चा तो अंदर ही पेट के अंदर ही मर गया, ठीक है, तो ये जो स्टिल बर्थ इसको हम कहते हैं, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में हो या हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, इसको हम कहते हैं मिसकैरेज। थर्ड ट्राइमेस्टर, सॉरी स्टिल बर्थ, नॉट मिसकैरेज, स्टिल बर्थ यानी थर्ड ट्राइमेस्टर या डिलीवरी के वक्त अगर बच्चा मरता है किसी वजह से उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं, और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले यानी फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मरता है उसको हम कहते हैं मिसकैरेज, मोस्टली सेकंड ट्राइमेस्टर में मरेगा उसको मिसकैरेज कहेंगे, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मिसकैरेज ही कहेंगे, लेकिन ज्यादातर मिसकैरेज सेकंड ट्राइमेस्टर में ही होने के चांसेस होते हैं ज्यादातर, ठीक है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है जो यूट्रस के अलावा, क्योंकि हमारा नॉर्मली यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होता है जिसको हम उम्ब कहते हैं, तो यूट्रस के अलावा बाकी कहीं भी अगर गलती से इम्प्लांटेशन हो गया उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फॉर एग्जाम्पल फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, एम्पुला में ही हो जाए, ठीक है, एम्पुला में ही हो, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, या किसी अन्य जगह पर हो जाए, मोस्टली फैलोपियन ट्यूब ही बचता है और कुछ बचता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं, यानी हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में हो,
इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि अदर देन यूट्रस अगर कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाता है और डेवलपमेंट होता है उसको हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसीज एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस है? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का थिकनेस और ये जो है वो बहुत ही कम होता है और वहां पे अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर मदर। हो सकता है ठीक है। उसी कंडीशन को तो हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये अबनॉर्मल कंडीशन है ठीक है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। देखिए जैसे मोटिलिटी कम है उस ओवम का और मोटिलिटी की वजह से वो फिफ्थ या सिक्स्थ डे तक या जब पूरा सेल डेवलप हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है उस वक्त तक वो यूट्रस में पहुंचा ही नहीं और यूट्रस में नहीं पहुंचा और यूट्रस से पहले फैलोपियन ट्यूब के पहुंचते वहीं पे क्या हो गया, वहीं पे वो इम्प्लांट हो गया है ना, वहीं पे वो इम्प्लांट हो गया। बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं ऐसे ठीक है, तो इम्प्लांट हो सकता है वहां पे, उसको हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। इनफर्टिलिटी नेक्स्ट देखते हैं तो क्या पढ़ रहे थे, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर व्हिच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिलबर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एसटीडीज आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेस आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। सो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है फॉर एग्जाम्पल आरसीएच का प्रोग्राम है और बहुत सारे प्रोग्राम्स है, तो सारे प्रोग्राम्स में इन सारे समस्याओं पर ज्यादा गौर किया जाता है ध्यान दिया जाता है ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज इंफेक्शन, देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। ये 15 to 24 ईयर्स के अंदर ही होता है मोस्टली रिपोर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि इसी कंडीशन में हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह सब होता है, शादियां होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इस एज पीरियड में होता है, तो इसीलिए ये 15 to 24 ईयर्स का ये जो एज ग्रुप है इसी के अंदर ज्यादातर रिपोर्ट किया गया है इस ऐसे प्रॉब्लम्स को ठीक है। विच मीन्स अभी जो उम्र में आप लोग हैं जो यहीं पे दिया है ना आपको, द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, यस आप लोग जिस उम्र में है उस उम्र में ये डिजीज होता है। लेकिन डोंट पैनिक, यहाँ पे इट्स सो इंटरेस्टिंग सो फनी, डोंट पैनिक, प्रिवेंशन इज इन योर हैंड्स, मतलब बचाव आपके हाथ में है, सो यू कुड बी फ्री ऑफ दीज इंफेक्शंस इफ यू फॉलो द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो और कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? वो प्रिंसिपल हैं, पहला प्रिंसिपल है, पहला पॉइंट है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स ठीक है, अननोन पार्टनर्स के साथ यानी जिसको हम नहीं जानते उसके साथ सेक्स करना अवॉइड करें। ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कॉइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हम लोग कॉन्डम का इस्तेमाल करें, चाहे वो मेल कॉन्डम हो या फीमेल कॉन्डम, अगर दोनों हो तो बहुत बेहतरीन है ठीक है। इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट हुआ हल्का सा भी तो जाओ डॉक्टर को देखो, क्योंकि करना बहुत जरूरी है ठीक है, और उसका अर्ली डिटेक्शन के बाद कंप्लीट ट्रीटमेंट ठीक है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट हो गया तब तो आराम से ठीक हो सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन हो गया तो इसका ट्रीटमेंट भी संभव है, अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट संभव नहीं है, तो इसीलिए इसका अर्ली डिटेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो तीन पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि हमें किसी अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर होता है, कुछ ऐसे बॉयज होते हैं या कुछ ऐसे गर्ल्स होते हैं जो जिनके बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे गर्ल्स होते हैं जिनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड, मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स इन द सेंस 6 महीना या 2 महीना हर इंटरचेंज होता रहता है, चेंज लाइफ में चेंज जरूरी होता है वैसे लोगों के अकॉर्डिंग, और लड़के भी ऐसे ही है, कई सारे लड़के ऐसे होते हैं जो प्ले बॉयज कहलाते हैं ना, बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स होते हैं, इसका एज ग्रुप में होता ही है सब, तो इस सबसे हमें बचना चाहिए। सबसे क्या होना चाहिए? बचना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के अकॉर्डिंग, पार्टनर के लिए ठीक है। और दूसरी चीज कि हमें क्वांटम का इस्तेमाल उस पार्टनर के साथ भी अगर इंटरकोर्स करना है तो क्वांटम का इस्तेमाल जरूर करें।
ठीक है, और अगर मान के चलो कोई सिम्टम हल्का फुल्का भी दिख रहा है तो प्लीज गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। समाज में लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, भाड़ में जाए दुनिया, ये सब से मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये सब का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम लोग देखेंगे इनफर्टिलिटी, लेकिन ये इनफर्टिलिटी हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इनफर्टिलिटी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसके बाद हम लोग इनफर्टिलिटी के बाद हम लोग देखेंगे कई सारे ऐसे टेक्निक जिससे हम इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे ये हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है इसको हम लोग खत्म कर दें। ठीक है, अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इससे रिलेटेड जो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक है, ये हम अगले चैप्टर जो शुरू करेंगे उससे पहले हम दे देंगे। ठीक है, या चैप्टर चलता रहेगा तो उसके बीच में हम कभी भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक हम आपको देंगे, जरूर देंगे। ठीक है, और इसके लिए ये नहीं है कि आप लोग सर पे चढ़ जाओ कि सर 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 क्वेश्चन बैंक ये सब मत करना। यस ऑफ कोर्स, एक ही क्लास नहीं, दो क्लास है मैडम, आज और कल है, कल भी मेरा क्लास है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। नोट्स हम ऐसे रिटन नोट्स हम नहीं देंगे। ठीक है, रिटन नोट्स हम कभी नहीं देंगे। हाँ, प्रिंटेड नोट्स जैसे कहीं से मिलेगा मुझे, या फिर हम अपने नोट्स बनाते हैं और उसको हम आपको भेज देंगे। ठीक है, लेकिन हम रिटन नोट्स नहीं देते हैं। ठीक है, और प्रिंटेड नोट्स का भी हम प्रॉमिस नहीं करते कि हम प्रिंटेड नोट्स देंगे। नोट्स आपको खुद से बनाना पड़ता है, नोट्स आप लोग खुद से बनाइए, खुद से पढ़िए। ठीक है, और अगर उसमें कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, है ना। इस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स हम रिटन नोट्स बिल्कुल किसी चैप्टर का नहीं देंगे, अभी हम बोल देते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे, अभी तुरंत करेंगे। ठीक है, अभी बस एक मिनट में करेंगे। ठीक है, तो हम नोट्स हम कभी भी नोट्स रिटन वे में नहीं देंगे, जिसका एक्सपेक्टेशन आप लोग नहीं रखिए तो ही बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, हो सके तो 10 या टाइम रहेगा तो 15 भी कर लेंगे आज, है ना। चलो अच्छी बात है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घटी दो घड़ी वहां। सो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिख रहा है यहाँ पे, सो दिस इज द क्वेश्चन बैंक हियर, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, bundles of erectile tissues in penis are, ऑप्शन आपको आएगा, erectile tissues are, ऑप्शन आएगा आपका बोथ, यहाँ पे बोथ कॉर्पोरा कोवर्नोसा एंड कॉर्पस फॉन्जियोसम। ठीक है, दोनों मिलकर ही एरेक्शन में मदद होता है, दोनों मिलकर ही एरेक्शन का काम करते हैं। मेजर आपका होता है कॉर्पस कोवर्नोसा। ठीक है, लेकिन स्पॉन्जियोसम का भी इक्वल इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको एरेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन एरेक्टाइल टिश्यू आपको मोस्टली हम कहते हैं कि कॉर्पस कोवर्नोसा ही है, लेकिन दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एरेक्ट होते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे बोथ का।
यस नेक्स्ट का क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, जी एल आई आ गया है वहां पे, वो ग्लैंड्स होगा. ग्लैंड्स पेनिस इज कवर्ड बाय व्हाट? 12th क्वेश्चन, ग्लैंड्स पेनिस इज कवर्ड बाय, यस ऑफ कोर्स, यस यस करेक्ट 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 करेक्ट. तो आंसर आप लोग दे रहे हैं, यस यस सही है सही है. आंचल का आंसर सही है, वर्षा का भी आंसर सही है, नीलू केशवानी का सही है, लेखिका का सही है, अंजलि का भी सही है, प्रिप्यूस इज द आंसर, श्रेया का भी सही है. सो प्रिप्यूस इज द राइट आंसर. सो ग्लैंड्स पेनिस इज कवर्ड बाय प्रिप्यूस. चलिए हो गया. उसके बाद आगे बढ़े थे 13th क्वेश्चन देखते हैं. 13th क्वेश्चन में क्या है, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डिफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इज, है ना, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डिफरेंस, यस ऑफ कोर्स. आंसर क्या होना चाहिए, यूरेथ्रा, बिल्कुल नहीं, यूरेथ्रा तो एक सिंगल यूनिट है. ट्यूनिका वास्कुलोसा, ये कहां से आ गया, ये तो चांस ही नहीं है. स्पर्मेटिक डक्ट भी चांस नहीं है. क्या आएगा उसको हम कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट, यानी ऑप्शन सी, है ना. यस यस यस, कई सारे लोगों ने सही आंसर दिया है. ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड. चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ लोगों से स्पेसिफिकली हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं 5-6 बच्चे वही आंसर लगातार दे रहे हैं, बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा है, बाकी सब लेफ्ट भी हो जा रहे हैं धीरे धीरे. वाह क्या बात है, मजा आ गया, अच्छी बात है. राष्ट्रीय सिंह लेफ्ट हो गई, है ना, प्रियांशु आदित्य जिनको मतलब नहीं है क्वेश्चन से वो लोग लेफ्ट हो गए, श्वेता लेफ्ट हो गई, वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, जिनको पढ़ना है वो रहे हैं. स्क्रॉटम कम्युनिकेट्स विद द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉटम कम्युनिकेट्स विद द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के साथ स्क्रॉटम जो आता है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बनता है जहां से सारा ब्लड वेसल्स वो सब आते हैं जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, हम उसको कहते हैं, यस ऑफ कोर्स, उनको हम कहते हैं इंग्यूइनल कैनाल. क्या कहते हैं, इंग्यूइनल कैनाल, जिसके अंदर, जिसके थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड भी एंटर करता है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंटर करता है, उसको हम कहते हैं इंग्यूइनल कैनाल. और इसी के अंदर आपको इंटेस्टाइन का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, इसको हम कहते हैं इंग्यूइनल हर्निया, है ना, वेरी गुड. नेक्स्ट है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग अराउंड, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग अराउंड, एल्बुजिनिया किसको कहते हैं, टेस्टिस, यस यस यस, बिल्वर आंचल लेखिका सब लोग सही है, नीलू वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस टेस्टिस इज द राइट आंसर, अंजलि का भी आंसर सही है, वेरी गुड. नेक्स्ट ट्यूनिका एल्बुजिनिया का हो गया. नेक्स्ट वासा एफरेंशिया कनेक्ट द डैश, आंसर होगा यस यस यस, सही है सही है, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है. वाओ वाओ ग्रेट. टेस्टिस विथ एपिडिडाइमिस, टेस्टिस विथ एपिडाइमिस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, किडनी का उसका लेना देना ही नहीं है, है ना. स्क्रॉटल सैक्स ऑफ मैन इज कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी बाय, स्क्रॉटल सैक्स ऑफ मैन इज कनेक्टेड, स्क्रॉटल सैक्स ऑफ मैन इज कनेक्टेड विद द कैविटी बाय, इंग्यूइनल कैनाल. ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. जो नीलू केशवानी, आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, आप ध्यान दिए, इंग्यूइनल कैनाल ही होता है. यस सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज है लेकिन क्वेश्चन सेम. ठीक है, इसी तरह कैसे आते हैं ना कंफ्यूज करने के लिए, सेम सेम तरह से आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और सेम क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का ढंग सेम है लेकिन उसका बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं. कितना क्वेश्चन बनेगा भाई, अब तक कितना टेस्ट हो चुका है, इतना एग्जाम हो चुका है, कितना क्वेश्चन बनाएगा एक ही चीज को, एक रिपीटेटिव क्वेश्चन तो आते ही है, रिपीटेशन होता है. ठीक है, लेकिन क्या होते हैं कि क्वेश्चन का जो नजरिया ढंग है वो चेंज हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि नया क्वेश्चन है. ठीक है, In mammals, the testes occur in scrotal sacs outside the viscera. Answer question. पूछने से पहले answer मिल जाता है. Viscera because of the requirement. Very good, very good. Anjali, आपका answer गलत है. बाकी सबका सही है. Fourth option सही होगा Anjali. Requirement of low temperature. है ना? Spermatogenesis करने के लिए body से 2-3 degree Celsius में कम होना चाहिए. है कि नहीं है? तो temperature कम होगा. Yes or no? ओके
तो आंसर होगा 4. 19th क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, वाओ 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 ग्रेट, सही है, एकदम सही है, टेस्टिस ऑफ मैमल, टेस्टिस ऑफ मैमल्स. चलो 20th क्वेश्चन, सेल्स ऑफ लेडीग अकर इन, सेल्स ऑफ लेडीग अकर, लेडीग सेल कहां होता है, टेस्टिस, ऑफ कोर्स टेस्टिस, लीवर में तो होता नहीं है, लीवर में कफर सेल होते हैं जिसको एक तरह का मैक्रोफेज है. ओवरी में क्या होता है, ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, टेस्टिस में ही होता है ना लेडीग सेल, यस. स्प्लीन में क्या होंगे, स्प्लीन में आपको स्प्लीन के सेल्स होंगे ना, उसके अलावा लिम्फोसाइट्स होंगे. ओके, विच एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड, विच एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड अकर्स ओनली इन मेल मैमल, यस, अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको फीमेल में पाया जाता है, तो 4 क्यों दिया है दिलबर आपने, बार्थोलिन फीमेल में नहीं होता है, बार्थोलिन ग्लैंड तो फीमेल्स में भी होता है और मेल में कॉपर ग्लैंड होता है, दोनों होमोलोगस होता है ना. प्रोस्टेट ग्लैंड ही एकमात्र ग्लैंड है, यस और नो? अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई होमोलोगस ग्लैंड प्रेजेंट है फीमेल में, कोई हमें बता सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई होमोलोगस है कि नहीं है? हाँ चलो, सेमिनल वेसिकल इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ, सेमिनल वेसिकल इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ व्हाट, सेमिनल वेसिकल किसके जंक्शन पे होता है, ये सब हमने पढ़ाया है आप लोग, सेमिनल वेसिकल किसके जंक्शन पॉइंट पे होता है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा, प्रोस्टेट एंड वास डिफरेंस, यस प्रोस्टेट एंड वास डिफरेंस के बीच में होता है. चलो नेक्स्ट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अकर इन द, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना तो बच्चा भी आंसर कर देगा, टेस्टिस, ऑफ कोर्स टेस्टिस. Next question, what happens after vasectomy? Vasectomy ke baad, vasectomy in the sense, the sterilization of vas deferens, which is male, hai na? Sterilization of male. Toh kya hota hai? Absence of semen? No. Sperm are dead or inactive? No. Sperm immediately disappear in semen? No. Sperm gradually disappear in semen? No. Answer kya hai? Tell me the answer. Answer is, what? 4. Sperm gradually disappears in semen. Yes, धीरे धीरे करके खत्म होता है. Okay. Actually, gradually या immediately यहाँ पे देना ही गलत था. क्वेश्चन ही गलत. क्या कर सकते? क्योंकि भाई sperm वहाँ पे block हो जाएगा तो sperm नहीं ले जाएगा. लेकिन जो पहले वैसेक्टोमी के पहले जो स्पर्म वहां पे क्या हुआ, स्पर्म जो आ चुका है वो तो पहले रिलीज होगा ना, उसके बाद धीरे धीरे उसका जब क्लोजर हो जाएगा कंप्लीटली, उसके बाद वहां पे स्पर्म नहीं आएगा, है ना. सर्टोली सेल्स अकर इन, सिंपल है इसमें आंसर, हम क्या बताएं, ये सौरभ सुमन आपका भी आंसर सही है, सीमन नहीं बनेगा, डोंट वरी. एक मिनट, नहीं सही है, सीमन तो बनेगा ना भाई, नहीं भाई सीमन तो बनेगा, सीमन में बाकी सब चीजें नहीं होगा, है ना, तो उसका आंसर होगा 4. स्पर्म ग्रेजुअली डिसअपीयर्स इन सीमन, ठीक है, सीमन में स्पर्म नहीं होगा, सीमन तो बनेगा ही, उसी दिन हमने बताया था आप लोगों को, उसी दिन मतलब लास्ट क्लास में बताया था. सर्टोली सेल्स अकर इन, ओके, ह्यूमन टेस्टिस. टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम एज कंपेयर्ड टू अब्डोमिनल कैविटीज लेस बाय 3 degrees, ठीक है, 3 degrees. सौरभ देखो, सौरभ सुमन आपका क्वेश्चन जायज है, आपको डाउट हो सकता है, लेकिन सीमन किसको कहते हैं, सीमन सेमिनल फ्लूइड
प्रोस्टेट फ्लूइड, कॉपर्स फ्लूइड और प्लस स्पर्म, ये सब मिलाकर कहते हैं। अगर स्पर्म नहीं है तो ये सारा फ्लूइड रिलीज तो होगा ना, तो सिर्फ सीमेन में स्पर्म का काउंट नहीं रहेगा लेकिन बाकी सब फ्लूइड रहेगा, और बाकी सब फ्लूइड को हम सीमेन कह सकते हैं। ठीक है, सीमेन में बाकी सब फ्लूइड मिलाकर स्पर्म रहता है। ठीक है, लेकिन अगर स्पर्म को हटा दिया जाए बाकी सब फ्लूइड रिलीज होंगे लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होंगे, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उसको भी हम सीमेन ही कहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन, कॉपर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन मेल मैमल्स, है ना, मेल मैमल्स। चलो नेक्स्ट, अ फीमेल ग्लैंड करस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल्स इज, अ फीमेल ग्लैंड करस्पॉन्डिंग टू प्रोस्टेट ऑफ मेल्स इज, नन, क्या आएगा, नन, यहां पे कोई आंसर नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे, प्रोस्टेट बार्थोलिन ग्लैंड, बल्बोयूरिनल ग्लैंड दोनों कॉमन है। क्लाइटोरिस आपको हो गया इरेक्टाइल टिश्यू, तो उसका पेनिस का ये होमोलोगस है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा नन, फोर ऑप्शन सही है 28th पेशेंट का। 29, आउटर कोट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टेड, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का आउटर कोट क्या है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका। लैमिना क्या है, बोलिए, प्रोप्रिया। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का आउटर कोट हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया, ट्यूनिका प्रोप्रिया, यस ट्यूनिका प्रोप्रिया इज द राइट आंसर आई होप, है ना। ओके, ट्यूनिका प्रोप्रिया है ना, इसको हम लामिना प्रोप्रिया भी कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते, लामिना प्रोप्रिया फिर किस प्लेयर को कहते हैं बताइए तो, बता सकता है कि लामिना प्रोप्रिया किसको कहते हैं, आंसर ट्यूनिका प्रोप्रिया सही है, लेकिन लामिना प्रोप्रिया किसको कहेंगे, खैर सोच के मुझे बताइएगा, सोच के बताइएगा। सेक्रीशंस फ्रॉम विच, लास्ट क्वेश्चन, बस इसे यहीं तक डिस्कस करके छोड़ देंगे। सेक्रीशंस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, सलाइवरी ग्लैंड, फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड, मेल एक्सेसरी ग्लैंड, लिवर। फ्रक्टोज मैंने बताया था, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स, ऑप्शन आएगा मेल एक्सेसरी ग्लैंड, क्योंकि फ्रक्टोज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीमेन में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। सो दिस इज द राइट आंसर, मेल एक्सेसरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन सी, ठीक है, थर्ड आंसर इज राइट। क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, ये सारा हमने चुन चुन के दिया है, ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, और दूसरा सेट भी मेरे पास है, इसके कई सारे सेट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास है, धीरे धीरे करके हम भेजते रहेंगे जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोज कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट का, रोज बायोलॉजी का मत करो लेकिन रोज एक एक सब्जेक्ट का करते रहो, कम से कम वीक में दो बार एक सब्जेक्ट का निकाल कर लो, ये प्रैक्टिस बना लो, और 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं आपका स्कोर कहां से कहां भाग जाएगा, इतना इंप्रूव करेगा या देख कर ही शॉक हो जाओगे इंप्रूवमेंट आपका, है ना। ट्यूनिका लामिना, ये नया वर्ड है, ट्यूनिका लामिना, ये भगवान, ये भगवान। चलो हम आपको बता देते हैं लामिनो प्रोप्रिया क्या है, ठीक है, लामिनो प्रोप्रिया जस्ट एक पतला सा लाइनिंग होता है जो हर म्यूकस मेम्ब्रेन के पास होता है, कॉमन वो लामिना प्रोप्रिया है, लेकिन यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में पूछा है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ट्यूनिका प्रोप्रिया ही होगा,
ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया कहाँ रहता है और भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके, लेकिन आप लोग को हमने ऑलरेडी बताया होगा, ठीक है। एनीवेज आगे चल के हम लोग अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा एक बार अपने सर से, सर का नोट्स देख लीजिएगा और बताए होंगे जरूर आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हाँ पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।